मेरा नाम रजनीश कुमार है, ये मेरे चाचा जी हैं, हम दोनों हिमाचल से बिलोंग करते हैं। इनकी ना दो हेयर साथ में आंखों में प्रॉब्लम आ गई थी, दोनों आंखों में वैसे प्रॉब्लम आ गई थी, आंख में मोतियाबिंद की दिक्कत आ गई थी ना, तो 1x1 ऑपरेट होना था, डॉक्टर ने बताया हमको। तो उसके बाद इनका ऑपरेशन हुआ, दोनों आँख का वो ठीक रहा ऑपरेशन। फिर उसके बाद धीरे धीरे ना इनको ना रेटिना में प्रॉब्लम आ गई, तो हमने चंडीगढ़ में इनको दिखाया हॉस्पिटल में किसी वहाँ पे, तो लेफ्ट आई में दिक्कत आई थी इनको, तो उन्होंने सर्जरी के लिए रिकमेंड किया हमें, तो इनकी उन्होंने सर्जरी वगैरह कर दी थी, एकदम से बढ़िया हो गया था सब कुछ। कुछ टाइम बाद ना 10-15 दिन के बाद उन्होंने चेकअप के लिए बुलाया, री चेकअप के लिए। उसके बाद इनकी आँख में उन्होंने देखा कि दोबारा फिर से प्रॉब्लम आ गई है भाई ना, तो पर्दा सही से जुड़ा नहीं था, तो उन्होंने फिर से ऑपरेट करने के लिए बोला हमें, तो उन्होंने दोबारा सेकंड टाइम फिर से ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद इनकी आंख में उन्होंने ऑयल वगैरह डाला, उन्होंने 3 या 4 महीने बाद मतलब ऑयल निकालते आई थिंक, तो वो नहीं निकाला, जिसकी वजह से इनकी आई आज वाइट हो गई है पूरी, मतलब 2 साल हो गए हैं, तो अभी इनका विजन लेफ्ट आई से एकदम से जीरो है, कुछ पता नहीं चलता है। अभी रिसेंटली इनको राइट आई में भी सेम यही प्रॉब्लम आ गई है, इनका जो रेटिना है वो फट चुका है। जैसे इनकी लेफ्ट आई में ऑलरेडी दिक्कत थी, तो हमने मतलब ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि इनकी दूसरी आई में भी यही सेम प्रॉब्लम आए, हमें लोकल वहाँ पे कहीं के मतलब ट्रस्ट नहीं रहा था, एक आई में दिक्कत ऐसे हुई तो उसके बाद हमें ट्रस्ट नहीं रहा कि अगर राइट में भी ये सब होगी तो दिक्कत आ जाएगी आगे जाके, तो फिर हमने सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि कहाँ से इनको बढ़िया ट्रीटमेंट मिल जाए, कहाँ से मतलब सही डायग्नोस हो जाए, ताकि जो आगे की लाइफ है वो अच्छे से मतलब निकाली जाए। तो फिर हमने जैसे ही सर्च किया हॉस्पिटल्स के बारे में, इंटरनेट पे देखा, थोड़ा सर्च किया गूगल्स पे, फिर यूट्यूब पे हमने i7 हॉस्पिटल के बारे में देखा। सबसे पहले तो हमने डॉक्टर राहिल चौधरी के बारे में उनकी वीडियोस देखी मोतियाबिंद के ऑपरेशंस की, फिर पता चला कि डॉक्टर आशीष माकन रेटिना के ऑपरेशन वगैरह यहाँ पे करते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे ट्रस्ट हो गया कि नहीं, हम यहाँ पे सही ट्रीटमेंट ले सकते हैं। रिसेंटली मेरे पापा का भी यहाँ पे अभी डॉक्टर राहिल सर के पास ट्रीटमेंट चल रहा है। तो फिर जैसे हमें मतलब हमने फिर अपॉइंटमेंट ली, तो फिर आज हम इनके पास चेक करवाने के लिए आ गए। डॉक्टर आशीष मार्कन ने पहले तो मतलब अच्छे से इनको कॉन्फिडेंटली मतलब समझाया इनको कि कोई बात नहीं, हो जाएगा जो भी है। आई का जैसे ही उन्होंने देखा कि हाँ इनकी डिटैचमेंट हो गई है रेटिना की, तो फिर उन्होंने एडवाइस की कि कोई डरने वाली बात नहीं है, आप जल्दी आ गए, जितना जल्दी हो सकता है ऑपरेट करवा लो। तो फिर हमने कल ही फिर डेट ले लिया ऑपरेशन की सर से, बाकी अभी देखते हैं फिर। Hi, I am Dr. Ashish Markan, Consultant Vitreoretina and UVS Specialist at i7 Group of Hospitals. तो आज हम ऑपरेट कर रहे हैं केस ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट। ही इज़ अ 48-year-old मेल। इनको पहले 2019 में लेफ्ट आई के अंदर डिटैचमेंट हुई थी, बट उसमें सक्सेस नहीं है इनकी सर्जरी में, एंड ही हैज़ लॉस्ट हिज विजन। अभी ही हैज़ कम फॉर अ सर्जरी इन द राइट आई, इसमें इनको डिटैचमेंट है, देर इज़ अ इन्फीरियर डिटैचमेंट, सो वी आर प्लानिंग अ 25G पार्सपिना विट्रेक्टमी सर्जरी फॉर रेटिनल डिटैचमेंट, एंड इनकी आँख में हम ऑयल डालेंगे, एंड आपको स्टेप बाय स्टेप अभी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हम दिखाते हैं कि ये सर्जरी हम कैसे करते हैं। सो अभी हम ये 3 पोर्ट्स बना रहे हैं, इनको पार्सपिना पोर्ट्स बोलते हैं, दीज आर 25G पार्सपिना पोर्ट्स, जिनके थ्रू हम विट्रेक्टमी करेंगे। थोड़ा डायलेटर डलवाना सिस्टर। तो अभी हमने 3 पोर्ट्स बना लिए हैं, एंड नाउ वी विल स्टार्ट द सर्जरी। सो राइट नाउ वी आर डूइंग कोर विट्रेक्टमी यूजिंग द विट्रस कटर। ये आपको क्लियरली दिख पा रहा है कि यहाँ पे इनको ये डिटैचमेंट है, रेटिनल डिटैचमेंट। इनिशियली इट वॉज एन इन्फीरियर डिटैचमेंट, अब अभी ये थोड़ा सा ऊपर सुपीरियर की तरफ भी प्रोग्रेस कर गई है डिटैचमेंट। सो राइट नाउ वी हैव इंजेक्टेड दिस कैनाकॉट क्रिस्टल्स जो वाइट कलर के हैं, दिस वुड बेसिकली हेल्प अस विजुलाइज द विट्रस। जो विट्रस है वो ट्रांसपेरेंट रहता है, तो उसकी फाइन लेयर को देखने के लिए हम ये कैनाकॉट इंजेक्ट करते हैं। नहीं, सो अभी हमने ऑलमोस्ट सारी विट्रेक्टमी कंप्लीट कर ली है। मैकुला के ऊपर देयर इज एन एपीरेटिनल मेम्ब्रेन, तो अभी हम उसको पील करेंगे, नेक्स्ट स्टेप वही है हमारा। सो अभी हमने ये ब्लू कलर की एक डाई डाली है, जिसको हम BBG डाई बोलते हैं, दिस वुड एड इन विजुलाइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन।
हम बोथ एपीरेटिनल मेम्ब्रेन और इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ये बहुत पतली लेयर होती है रेटिना पे, इनको रिमूव करेंगे अभी। सो यू कैन सी यहाँ पे ये मेम्ब्रेन है जो इसके ऊपर इस तरह से आईलैम फोल्ड्स क्रिएट कर रही है। इसको भी हम पील ऑफ कर देंगे। सो वेरी जेंटली एंड ब्यूटीफुली वी हैव रिमूव्ड बोथ द मेम्ब्रेन्स। सो राइट नाउ जो भी फाइन विट्रस की लेयर थी रेटिना पे, वी हैव रिमूव्ड इट सक्सेसफुली यूजिंग द स्क्रेपर। इसको हम बोलते हैं डायमंड डस्टेड मेम्ब्रेन स्क्रेपर और टैनो स्क्रेपर। इसको जेंटली रेटिना सरफेस पे रब करके वी हैव रिमूव्ड द थिन लेयर ऑफ हाइलॉइड विच वॉज प्रेजेंट ऑल अराउंड। सो राइट नाउ वी आर डूइंग शेव विट्रेक्टमी। इसमें पेरिफेरल डिप्रेशन करके जो भी विट्रस बेस पे विट्रस है उसको हम शेव करते हैं। एंड दिस इज ऑलमोस्ट द एंड। नाउ वी विल डू अ लेज़र, ड्रेन द फ्लूइड, रेटना को अटैच करेंगे और फिर लेज़र करेंगे। सो राइट नाउ हमने पूरा हाइलॉइड रिमूव कर दिया है एंड वी हैव डन एन इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन पीलिंग ऑल्सो। एपीरेटिनल मेम्ब्रेन को भी रिमूव कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू अटैच द रेटिना। इसके अंदर हम डायथर्मी करके जो रेटिना के पीछे फ्लूइड है उसको ड्रेन आउट करेंगे। सो यू कैन सी दिस थिक येलो सब रेटिनल फ्लूइड विच इज कमिंग। सो द रेटिना इज सक्सेसफुली अटैच्ड नाउ। पर्दा अपनी जगह पे जुड़ गया है। अब हम लेज़र करेंगे और फिर लास्ट में ऑयल डालेंगे। सो अभी हम ये लेज़र कर रहे हैं। दिस इज़ अ ग्रीन लेज़र, इट इज़ अ फोटो कोआगुलेटिव लेज़र। इससे जो है कि पर्दे में स्कार्स बनते हैं एंड जो पर्दा है वो अपनी ग्रिप पकड़ता है अंडरलाइंग लेयर से। चलो ऑयल। तो अभी वी हैव कंप्लीटेड द लेज़र एंड द फाइनल स्टेप इज पुटिंग अ सिलिकॉन ऑयल टेम्पेनॉड। तो अभी हम ये आंख में ऑयल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये ऑयल बेसिकली पर्दे को टेम्पोनाड देता है। टेम्पोनाड का मतलब है कि पर्दे को अपनी जगह पे प्रेशर डाल के रखता है ताकि पर्दा वहाँ जुड़ा रहे। इवेंचुअली जब लेज़र का रिएक्शन आ जाता है तो पर्दा जुड़ जाता है एंड देन फाइनली 2 से 3 महीने के बाद इस ऑयल को हम रिमूव कर देते हैं। तो अभी हमने ऑयल डाल दिया है आँख में एंड नाउ हम पोर्ट्स को रिमूव करके वी विल सूचर दीज पोर्ट्स। कैनुलास को रिमूव कर देंगे एंड दीज आर सेल्फ एब्जॉर्बिंग सूचर्स। अपने आप ये घुल जाएंगे आँख में 2 से 3 हफ्ते में। सो अभी हमने आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है कि एक रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी कैसे परफॉर्म करते हैं यूजिंग 25G पार्स पेना विट्रेक्टमी सिस्टम। अभी हमने ऑयल डाला है, पेशेंट को उल्टा लेटने को बोलेंगे और पट्टी कल सुबह खोलेंगे। उसके बाद एक रूटीन पोस्ट ऑपरेटिव ड्रॉप्स इनको देंगे डालने को एंड इवेंचुअली जैसे जैसे पर्दा जुड़ जाएगा अपनी जान पकड़ेगा वैसे वैसे इनकी विजन में इम्प्रूवमेंट होगा। थैंक यू। अभी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? नहीं सर। हाँ जी ऐप नेक्स्ट अभी उसके नेक्स्ट पी ये हाँ जी ए नहीं हाँ जी आर हाँ जी आर उससे पहले क्या है आर से पहले
पी है जी। पी से पहले नीचे देखो इधर इस तरह। ठीक है अभी तो बढ़िया हो गया, ठीक है ना। हाँ, पर्दा प्रॉपर जुड़ गया है, ठीक है। अभी इनको दो हफ्ते के लिए उल्टा लेटना है, ठीक है। ठीक है, दिन दिन में लेट जाए 8 से 9 घंटे के लिए, ठीक है जी। ठीक है, बाकी रात को करवट लेके सो सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है। इसी तरफ ना, इस साइड को करवट लेके आराम से लेट जाए। दिन में 8 घंटे के लिए उल्टा लेटना है। अगर उल्टा लेट के थक जाते हो बेड पे तो कुर्सी पे बैठ के टेबल पे हेड डाउन कर लो, ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी सर। बाकी मेडिसिन बता रहे हैं वो वैसे डालनी है मुझे, दोबारा से एक बार हफ्ते 10 दिन में दिखाना है, ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। सफर कर सकते हैं? हाँ कर सकते, जा सकते हैं, जा सकते हो, बट सर नीचे रहेगा। अगर बैठे हैं तब भी सर नीचे, हाँ जी। ट्रेन में जा रहे हो तो लेटते हैं। कल का मैंने 1 मिनट भी ना 2-3 मिनट ऊपर किया, हाँ बीच बीच में ड्रॉप वगैरह डालने के लिए सीधे हो जाओ, बाकी उसके बाद फिर से नीचे। ठीक है, ठीक है, वैसे ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया लगा मेरे को, पहले जैसे अंधेरा में अंदर ना अंधेरा दिखाई दे रहा था, अब नहीं देख अंधेरा, अब लाइट पूरी दूसरी ही थी। अब आप सामने बोले बैठे दिख रहा है ना, पहले इतना नहीं दिख रहा था अंदर बैठा कि कौन बैठा है कौन नहीं, ऐसे जैसे सामान पड़ा ना नहीं पता लग रहा था जी। मैंने ना पहले 1.5 साल पहले यूट्यूब में ना दी कि सबसे स्पेस हॉस्पिटल कौन सा है, भी जो मेरा पर्दा सेट हो जाए, ये आंख भी ठीक कर दे। फिर यूट्यूब पर निकाला i7 ही निकले, चाहे राहुल चौधरी i7 ना, ये ही निकला पहले। फिर हमने 2-3 बार इससे बात भी की आने को, पता नहीं किस्मत की बात है क्या, फिर हम आ नहीं पाए। जब ज़्यादा दिक्कत हो गई पिन के फादर आए, 1 महीना हो गया हूँ, अब वो भी अपनी आँख चेक करा गए, पूरी तरह मना कर दिया फिर कहीं नहीं जाना, उसके अलावा वहीं ही जाना जो मर्जी हो गए। नज़र पहले से बहुत अच्छी है, पहले तो बहुत प्रॉब्लम आती थी उससे, मतलब अब बहुत बेटर फील कर रहे हैं, अब तो मतलब अच्छे से खुद से चल पा रहे हैं, सब कुछ एकदम बढ़िया हो रहा है। यहाँ के जो स्टाफ वगैरह है, बाकी डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशीष मार्कन, बाकी अपने स्टाफ जितने भी है रिसेप्शन वाले, सबका एकदम से थैंक्स करते हैं हाथ जोड़ के, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प की हमें ना ऑपरेशन के बाद। जो भी इंस्ट्रक्शन थी एकदम से पूरा उन्होंने अच्छे से समझा दिया, मतलब उन्होंने बोल दिया कि घबराना नहीं है, अगर कभी भी आप कॉल करके पूछ सकते हो, अगर या कोई दिक्कत आए तो आप उसी टाइम कॉल कर देना। मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने ख्याल रखा हमारा, अब चाचा ही ठीक है। इसका स्टाफ बहुत अच्छा जी, राहुल चौधरी i7 का इन्होंने थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगा i7 हॉस्पिटल में आके, यहाँ पे आके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला, थैंक यू सो मच।